पंजाब में 80 छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए भेजी गई रकम में कथित घोटाले को लेकर पंजाब के श्रोमणी अकाली दल ने लुधियाना में कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। वहीं साथ ही कहा कि इस पूरे मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच की जाए। श्रोमणी अकाली दल के एससी विंग के वर्करों ने लुधियाना के जलंधर बाईपास में ये प्रदर्शन किया। वहीं अकाली दल के प्रधान रणजीत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार की ओर से पंजाब के ऐसी छात्रों की पढ़ाई के लिए भेजी गई स्कॉलरशिप में करीब 64 करोड़ रुपए का कथित घोटाला हुआ है, जिसके चलते धर्मसोत को तुरंत कैबिनेट से हटाया जाए। अज जी असी श्रोमणी अकाली दल का एससी विंग संकेतक तौर के उत्ते एक मुजहरा कर रहे हैं। मुजहरे का कारण है भी साधु सिंह धर्मसोत जो समाज भलाई मंत्री ने जो भारत सरकार पंजाब के लोगों बच्चों एससी बच्चों के वास्ते वजीफे भेजती है, पढ़ाई दे विच उन्हां दी फीसा भेजती है, वो फीसा इन्होंने खुरदबुरद कर दिता, जिदे करके साढ़े जिहड़े एससी भाईचारा जरा 32% पंजाब दे विच रह रहा वा उन्हां दी जिहड़ी पढ़ाई है वो बिघन पै रहा। सो उस मंत्री दे सैकटरी ने ये गल खुलासा किया भी 64 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा घट पाया जा रहा, इहदा पता नहीं लग रहा। सो स्पष्ट है भी जिहड़े महकमे का मंत्री जिहदे कोल 308 करोड़ जां किन्ने करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजे फीसा दे, जो असीं पिछले दिन भी साडी पार्टी ने इस गल दे मुजहरे कीते सी पिंड पिंड वार्ड वार्ड भी इह जिहड़े पैसे आए सी इन्हां ने वंडे नहीं, ये पैसे बच्चों तक पहुँचे नहीं, स्कूलों तक पहुँचे नहीं, कॉलेजों तक पहुँचे नहीं। सो जदों हुण पहुँचे तो 64 करोड़ रुपया घट पाया गया। सो इस करके असी मंग करते हैं भी साधु सिंह धर्मसोत महकमे चो हटाया जाए, मंत्री पद तो हटाया जाए और उन्होंने उत्ते बनती कार्रवाई की जाए, जाँच करवानी है करा लवे कैप्टन साहब, पहला उन्होंने मंत्री पद तो हटावे। हुण देखो एक सैकटरी साहब रिपोर्ट करते हैं, हुण चीफ सैकटरी साहब की इनकुआरी लाती और पिछले 3 साल 3.5 साल का इतिहास आ गवर्नमेंट का भी जिन्हें भी मंत्रियों के उत्ते एलीगेशन लगे इन्होंने क्लीन चिट देती। सो हुण भी इन्होंने क्लीन चिट देने की तैयारी चा। सो इस करके असी मंग करते हैं भी इहनूं पहलां हटाया जाए, फिर कार्रवाई की जाए, फिर जाँच की जाए, तो जो दुध का दुध तो पानी का पानी हो के सामने आ जाए। जिहड़ा साडा दलित भाईचारा पढ़ाई तो विरभा रह रहा उहदी पढ़ाई का इंतजाम करना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी आ। साढ़े समय भी पैसे आते रहे, असी बिल्कुल इन बिन वो लागू करते रहे हैं, पर इन्होंने 3 साल तो उन्होंने लोगों दिया कॉलेजों च फीसा नहीं गई, फीसा ने बच्चों के नौ कट दते, कॉलेजों ने बच्चों के नौ कट दते, जिस करके साडा दलित भाईचारे के बच्चे जिन्होंने पढ़ के कुछ ना कुछ बनना सी बेचारियां ने, जिन्हों को टेलेंट सी, जिन्हों को ज्ञान सी, पर वो पढ़ नहीं सके और बेचारे पढ़ाई तो विरभे रहन करके उन्होंने बेचारियां नूं बड़ी मुश्किल का सामना करना पै रहा। देखो म केंद्र सरकार नूं तां साडा बीबा हरसिमरत कौर उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है उस महकमे नूं, पर जिहड़ी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आ स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कार्रवाई करना। जे ये कार्रवाई नहीं करनगे जदों रिपोर्ट उत्ते जाऊगी, जदों 64 करोड़ रुपया ना वंडिया हुआ पाया गया तो ना मिलिया गवर्नमेंट नूं जूसी ना मिली तो कार्रवाई तो वह भी करेगी, पर उदों पहलां इन्हां दी जिम्मेवारी बन जाए भी इहनूं अहुदे तों हटाया जाए, महकमे चों कढ़िया जाए, निरपक्ष जाँच कराई जाए। कदों होगी? एक चीफ सैकटरी की जिम्मेवारी लाती, सैकटरी की जिम्मेवारी घट सी, जब एक सैकटरी खुलासा करता हूँ सैकटरी बेचारा की कहूगा जब महकमे का मंत्री बैठा? जिन्ना चिर मंत्री नूं नहीं हटाते उन्ना चिर निरपक्ष जाँच नहीं हो सकती। इस करके साडी मंग आ भी उन्होंने मंत्री पद तो हटाया जाए, वो तो MLA तो भी रिजाइन लिया जाए, क्योंकि SC रिजर्व हक जित के आया, रिजर्व लोगों की गल करने वास्ते आया सी, तो रिजर्व लोगों की गल करने की बजाय उन्होंने हकों के डाका मारे। अपने XML सरदार रणजीत सिंह ढिल्लों ते उन्हां दे नाल श्री विजय दानव जी ते होर अपने अकाली दल बादल ग्रुप दे बंदे सीगे 10-15 ए, ते उह अपने कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे सीगे, उहदे अकॉर्डिंगली असी रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं। जो भी जे इन्हां ने कोई जिहड़ी COVID-19 रिगार्डिंग कोई गैदरिंग दी जो भी इंस्ट्रक्शन आईयां ने जे उहनूं वायलेट कीता तां असी जो भी एक्शन बनता वो जरूर करांगे। हाँ बिल्कुल, जो होगा तो बाई नेम ही होगा। थैंक यू।